नमस्कार, हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। शख्सियत में इस बार हमारे साथ हैं जाने माने संगीतज्ञ पंडित सोमदत्त बट्टू। पंडित जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। पंडित जी, आप शास्त्रीय संगीत के महारथी हैं। महानरी तो क्या, ठीक है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक समझो। अरे वाह, ये आपका बड़ा पन है। लेकिन संगीत की अन्य विधाओं पर भी आपकी बराबर की पकड़ है। इन सब विधाओं के बारे में आपसे जानेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे दर्शकों को बताइएगा अपने जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में। ऐसा है, देखिए, मैं हिमाचल प्रदेश से ही ताल्लुक रखता हूँ जी। मेरे माताजी जसूर के थे, पिताजी पंजाब से थे, तो मेरा जन्म जसूर में 5 जुलाई 1937 में हुआ। कांगड़ा जिला। कांगड़ा जिला में जी। उस वक्त क्योंकि पंजाब एक ही था जी, जी। जबकि मैं बात सेंती में तो एक ही पंजाब था। उसके बाद मैं जो एजुकेशन मेरी हुई, मैं जो मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, तो बचपन से ही, क्योंकि मेरे पिताजी भी संगीत से जुड़े हुए थे, संगीतज्ञ थे, उन्होंने श्याम चौरासी घराने से सीखा, बकायदा तालीम ली थी, और उन्होंने फिर मेरे को भी संगीत में ही, मैं बचपन जब से मैं पैदा हुआ। तो ये माने कि पिताजी से ही आपको शुरुआती शिक्षा? हाँ, शुरुआती शिक्षा क्या मतलब, घर में माहौल ही ऐसा था। वो 24 घंटे बस वही संगीतमय था सब। हाँ, संगीतमय था। गुणीजन आते थे और मैं छोटा सा बचपन में उनकी गोद में भी बैठ के सुनता था, तो तब से ही मेरी जो है संगीत के प्रति रुचि हो गई। स्कूली शिक्षा? फिर स्कूली शिक्षा पंजाब में मेरी नकोदर एक जगह है वहाँ पर हुई, वहाँ मैंने मैट्रिक वहाँ से करी, उस वक्त मैट्रिक होती थी जी। उसके बाद मैं फिर दिल्ली चला गया, मेरी एजुकेशन वहाँ पर रहते हुए पंजाब में मैंने ग्वालियर घराने के पंडित आचार्य कुंजलाल शर्मा जी थे जी, उनसे मैंने तालीम ली, और उसके बाद वहाँ पर ही प्रोफेसर KS चक्रवर्ती, करम सिंह चक्रवर्ती जी थे पंजाब घराने के, उनसे भी मैंने तालीम ली। वैसे तो आपका ताल्लुक पटियाला घराने से बताते हाँ, हैं। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि श्याम चौरासी पंजाब जो घराना है, ये पटियाला घराने की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसके अंग हैं वो, तो उनसे मैंने तालीम ली। फिर पटियाला घराने के मैं दिल्ली में चला गया, तो वहाँ जा कर के मैंने पंडित कुंदनलाल शर्मा, आचार्य पंडित कुंदनलाल शर्मा, उनसे शिक्षा ग्रहण करनी शुरू करी पटियाला घराने में, शास्त्रीय गायन में। और उसके साथ साथ मेरा, क्योंकि शास्त्रीय गायन, सिर्फ शास्त्रीय गायन नहीं, उससे आगे क्या सुगम संगीत, उपशास्त्रीय, जिसको ठुमरी गायन बोलते हैं, ठुमरी है ना, और सुगम में आ जाता गजल, गीत, भजन जी, ये सब गायकियों का मैंने अपने आप उस समय उनसे सीखा। और फिर मैं कोई 1953 में तो मैंने रेडियो पे गाना शुरू कर दिया था, दिल्ली स्टेशन से पहला गाना 1953 में, तो उसके मेरा जन्म हुआ था उस साल। अच्छा जी हाँ। तो फिर मैं 53 के बाद, मतलब कोई 56 में मैं फिर इधर हिमाचल में आ गया, क्योंकि मेरा जड़ें तो इधर ही थी, तो मैं आ गया और शिमला, और 55 से मतलब मैं रेडियो स्टेशन जो शिमला था उसका पहला कलाकार था, तब से मैं यहाँ गा रहा हूँ। अब तो आपके सैकड़ों शिष्य हैं। हाँ, बहुत हैं। बस मैं फिर तो पोस्ट ग्रेजुएशन फिर संगीत में की? हाँ, नहीं, संगीत में करी। वो कहाँ से? वो मैंने, देखिए, मैं इलाहाबाद, एक हमारे उस टाइम में तो ये होता था, क्योंकि MA तो होती नहीं थी। MA तो फिर कहीं 62 में जाके कहीं हुई, तो वहाँ हमने उसी को भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं मानते थे, वहाँ से करी, और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से भी, तो मतलब इन जगहों से मैंने करी सारी। तो फिर सरकारी जॉब में आए आप? हाँ, मैं सरकारी जॉब में आ गया था फिर। तो लेक्चरर बोलते थे उस समय क्या? हाँ, उस समय लेक्चरर ही बोलते, संगीत के प्रवक्ता, लेक्चरर। कहाँ अपॉइंटमेंट हुई सबसे पहले? हाँ, सबसे पहले मेरी अपॉइंटमेंट जो थी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, जो कि शिमला में होता था, पहले वो नाहन में था और फिर वो शिमला में आ गया था, तो मैंने 1968 में, सबसे पहले तो मैंने जो नौकरी करी यहाँ
मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस में भी था। अच्छा। हाँ, 8-10 साल वहाँ करी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैंने इधर जॉब्स निकली तो मैंने अप्लाई किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो मैं इसमें आ गया। आकाशवाणी शिमला में जी आपने कहा कि गायन शुरू किया। हाँ, था। मैं बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, तो कुछ याद है कि पहला गाना कौन सा गाया होगा वहाँ? हाँ, पहला गाना तो हमने उस वक्त सुगम संगीत के कुछ गीत गज़ल वगैरह इससे शुरू ये भी गाए, और फिर यहाँ का फोक भी, हिमाचल का फोक भी गाया। अब तो लोक संगीत में भी आपको महारत हासिल है। और हाँ, लोक संगीत में मैंने काफ़ी अध्ययन किया और काफ़ी कुछ मैंने यहाँ ऐसे कि कई ऐसी धुनें बनाई जो कि अभी तक वो एक फोक का रूप उन्होंने धारण कर लिया। ये कंपोजिशंस आपसे सुनेंगे। हाँ, मैं और जरूर सुनाऊंगा। इन स्वर लहरियों में हम भी गोते लगाएंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। हम यूं गए और यूं लौटे। शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, इनमें क्या भेद है? शास्त्रीय संगीत में पहले तो ध्रुपद गायन होता था, उसके बाद ख्याल गायन आ गया, उसके बाद ठुमरी आती है, ठुमरी के बाद सुगम संगीत। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पंडित जी, आपने जब अपने गुरुजनों से तालीम हासिल करना शुरू किया जी, तो सबसे पहले उन्होंने आपको कौन सा राग सिखाया? हाँ, देखिए, जब गुरुजन हमें पहले गुरुजन सिखाते थे, सबसे पहले हमको एक सुबह का राग और एक शाम का राग, तो सुबह का राग भैरव शुरू कराते थे जी। तो भैरव की बंदिश में अगर आप कहो तो हो जाए, आपको सुनाता हो जाए बंदिश। सब दे जे तू करे मकर तारा में अर्गे नजर के जे में अर्गे तू है पाक परवर दिगार आलम सकल जग गो रागा गम धानी दानी धनी धवनी धानी धव धाम प गम गम रे कर मे अर गे जय मे अर गे मे अर गे मे अर गे। ये बंदिश हमने पहले सीखी सब। बहुत खूब, बहुत खूब। शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत, इनमें क्या भेद है? देखिए, वैसे तो देखिए शास्त्रीय संगीत से ही सब जितनी विधाएं निकली हैं जी जी, तो शास्त्रीय संगीत में पहले तो पुराने जमाने में ध्रुपद गायन होता था, उसके बाद ख्याल गायन आ गया, जो मैं अभी आपको सुनाया ख्याल की छोटी बंदिश थी। ख्याल के बाद जो है उसके बाद ठुमरी आती है, ठुमरी के बाद सुगम संगीत जिसमें गजल गीत और भजन ये आते हैं। ठुमरी के क्या मायने हुए? ठुमरी एक सेमी क्लासिकल जिसको कहते हैं, तो मैं एक नमूने के तौर पर बताता हूँ। बिल्कुल, हमारे दर्शक बेताब हैं। हाँ, मिश्र खमाज में है ये। नदिया किनारे किनारे मोर गा
नदिया के नारे नारे मोरा गाम नदिया के नारे मोरा गाम। ये ठुमरी का है ये अंदाज। इसमें क्या भाव है? हाँ, उसमें देखिए एक कृष्ण की लीला का, और वो बताते हैं कि नदिया किनारे मेरा गांव आयो जी मोरे सांवरिया सांवरिया। भक्ति रस से? हाँ, ये भक्ति रस है, यस, श्रृंगार और भक्ति रस दोनों। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि शास्त्रीय संगीत से आपका प्रेम बहुत ज़्यादा रहा है, लेकिन विधाएं आप सब जानते हैं। गज़ल? हाँ, गज़ल देखिए ठुमरी के बाद गज़ल आती है। ये भी सुगम संगीत का ही एक? हाँ, क्योंकि इस विधा कहें या हाँ, उसमें भी जो मैं इसी राग में एक गज़ल आपको। ये क्या राग था? ये मिश्र खमाज, तो इसी में आपको गज़ल सुनाता हूँ। जी बिल्कुल। मशगला खूब है फुरकत में बहलने के लिए, मशगला खूब है फुरकत में बहलने के लिए, सरहदुन ने के लिए हाथ मसलने के लिए, मशगला खूब है। ये एक मतला है उसका। जब आपने आकाशवाणी शिमला में गाना शुरू किया, उससे पहले दिल्ली में भी? हाँ, दिल्ली से मैंने 1953 में, हाँ, मैंने वहाँ पर गाना शुरू कर दिया था। जी हाँ। तो आकाशवाणी शिमला में सबसे पहला कौन सा ऐसा गाना था जो आपने? आकाशवाणी शिमला में तो ज़्यादातर हमने यहाँ के फोक भी गाया है और दूसरे भी गाए हैं। उस पे आता हूँ। हाँ, लेकिन कुछ जिज्ञासा है। जी। हमारे संगीत में, शास्त्रीय संगीत हो या भारतीय अन्य विधाएं हों, जी जी, वेस्टर्न म्यूजिक का कुछ असर, कोई रंग चढ़ रहा है, क्या ये ठीक बात है? नहीं, मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं इससे बिल्कुल ठीक नहीं समझता। वैसे ये है कि अब उन्होंने क्या कर दिया है कि कुछ लोग इसको शास्त्रीय को और उस तरह से वेस्टर्न अंग से गाना शुरू कर दिया है। ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ओरिजिनलिटी? हाँ, ओरिजिनलिटी जो है वो तो रहनी चाहिए। ये गलत बात है। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और पंडित जी से संगीत में ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। जली जांदा सौरिया दा देश, अम्मा जी में नहीं बसना। जली के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है पंडित जी। जी, संगीत में घरानों की बातें होती हैं, ये घराने क्या हैं और क्या आज के परिप्रेक्ष्य में भी इनकी प्रासंगिकता है? बिल्कुल है, क्यों नहीं, क्योंकि घराने हमारे शास्त्रीय संगीत में बहुत से घराने हैं। प्रमुख जैसे मैं आपको बताता हूँ, ग्वालियर घराना और आगरा घराना, पंजाब के आगे पटियाला घराना, शाम चरासी घराना जी, हैं तलवंडी घराना, और इस तरह से जयपुर घराना जी, ये दिल्ली घराना जी जी। तो घरानों का तात्पर्य हाउस ऑफ म्यूजिक जहाँ वो जो परंपरा उन्होंने बुजुर्ग जो चले आ रहे हैं पीढ़ियों से, उनका मतलब उनके बारे में मतलब वो अपनी बंदिशों को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी आगे सिखाते हैं। आपका ताल्लुक पटियाला घराने से? जी हाँ, मैं पटियाला से सीखा हूँ। हाँ जी हाँ। कोई बंदिश हो जाए ऐसी? हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ पटियाले की बंदिश सुनाता हूँ। ये
राग अड़ाना में बंदिश है। तान गप तान, तान गप तान कैला गए जगत में बते अली खान गप तान 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 गप तान तान गप तान जब गाए तब गुनीर जाए जब गाए तब गुनीर जाए तन बलवान की ऐसी फिरत है जो अर्जन को मान गप तान 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 गप तान। बहुत बंदिश है पटियाला की, भाव बेहोर कर दिया। शुक्रिया शुक्रिया। लोक गीतों की ओर मुड़ते हैं। जी जी, आपकी कंपोजिशन भी होंगी। हाँ बिल्कुल है, उसका ही आनंद ले लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं सुनाता हूँ आपको। जी देखिए, ये लोकगीत बन गया है पर धुन ये जो है मैंने बनाई थी। जली जांदा सौरियां दा देश अम्मा जी में नहीं बसना, जली जांदा सौरियां दा देश अम्मा जी में नहीं बसना, जली जांदा सौरियां दा देश आपको ता लिंदे चिट्टियां चादरा दे चिटियां चादरा मिंजो ते दे मोटा खेस अम्मा जी में नहीं बसना, जली जांदा सौरियां। भावार्थ इसका कि एक बेटी ब्याह के जाती है बिल्कुल ससुराल का, वहाँ का ये आकर के बताती है अपनी माँ को, दिल नहीं लग रहा उसका ससुराल हाँ में और वापस आना चाहती है। बहुत खूब, दर्द भी था और मिठास भी, हाँ। दोनों बातें आपने की, बहुत बढ़िया। जैसे मैं पहले भी चर्चा कर रहा था कि हमारे लोक संगीतों में अतिक्रमण हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए? हाँ देखिए, ये मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं रिकॉर्डेड म्यूजिक सुनता हूँ, ये नाटियाँ हैं या और भी संगीत है जो हमारे हिमाचल का है, तो उसमें अब ये जैज टाइप के इंस्ट्रूमेंट जैसे कैसियो हो गया, उसमें ड्रम्स बजा रहे हैं जी और क्या क्या और प्रयोग कर रहे हैं। आई एग्री के मॉडर्न प्रयोग करने चाहिए पर हमारी जो ओरिजिनलिटी है उसको कायम रखना चाहिए, मैं तो इस पक्ष में बरकरार रहे। हाँ क्योंकि अब बीच में ही आप अगर कोई एक सपोज नाटी गा रहे हैं उसके बीच में ही आप कोई फिल्म का जोड़ देते हैं, अब वो बात नहीं बनती है, या फिल्म का ही रखें या वो रखें, एक ही बात होनी चाहिए। जो हमारी परंपरा है उसको हमें कायम रखना है, जैसे शास्त्रीय संगीत को एक हमारी बड़ी धरोहर है उसको भारतवर्ष में संभाल करके रखा है गुणीजनों ने, उसी तरह हमारा जो ये हिमाचल का संगीत है ये बड़ी भारी धरोहर है। अब मैं बताता हूँ कि अब देखिए एक इस तरफ का लोअर महासू का वो एक मैं सुनाता हूँ, देखिए इसमें शास्त्र भी है और वो भी है। मंगेरा प्यो का मंगेरा प्यो का उची दारारी गामे मंगेरा प्यो का मंगिए दाड़िए उच्चे घरों दिए दिए
जाड़िए उच्चे घरों रिए दिए पखले पौने हमारा साथी तुए निये मगीरा प्योगा लगे हाथ छोटा सा पंजाबी हाँ वो अब पंजाबी का ठीक है ला रो रो में बाट निहारा वे सांवल मोड़ मुहारा ये मुल्तानी काफी है तति रो रो में सूफियाना कलाम है तति रो रो में बाट निहारा सांवल मोड़ वाह पंडित जी आनंद आ गया पंडित जी आपने ईटीवी के साथ खास बातचीत की और हमें और दर्शकों को भी बहुत आनंद आएगा ऐसी हमें उम्मीद है मैं ईटीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आप लोगों ने बुलाया और ये मौका दिया कि आपसे मैं अपने विचार थोड़े सांझे करूँ जो है तो हम ये आपको आशा करते हैं कि आप लंबा अरसा संगीत की सेवा करते रहेंगे और दर्शकों को अच्छा म्यूजिक अच्छा संगीत जिसमें पवित्रता है वो देते रहेंगे परोसते रहेंगे एक बार बहुत बहुत फिर से आपका धन्यवाद बहुत धन्यवाद हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़